एक पौधा, ये देखिए मेरा एक लेमन का पौधा है, आप इसको देख सकते हैं, सारा पक गया है फ्रूट इसमें। यहाँ देखिए पूरा बहुत सारा फ्रूट मैंने इसमें तोड़ा है। आप देखिए इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्नामेंटल ऑरेंज भी कह सकते हैं। ये देखिए पक पक गया है। और ये प्लांट आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए कि जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो उस समय ये पौधा पता नहीं हजारा नींबू या लेमन कहते हैं इसको, आप ऑर्नामेंटल ऑरेंज भी कह सकते हैं का प्लांट है, तो उसी समय मैंने लगाया था। देखिए इसमें सालों भर ये फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग होता है, और ये रूट बाउंड हो गया है, फिर भी कोई मैं इसमें खाद नहीं दे पाता हूँ, लिक्विड खाद थोड़ा दे पाता हूँ, उसके बाद इसमें जगह ही नहीं है। तो ये 13 इंच के गमले में लगा हुआ है और मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन एक ही गमले में करीब 3-4 साल से ये पड़ा हुआ है, इसलिए इतना ये ग्रोथ नहीं किया हुआ। अगर मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, कर देता, तो ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, लेकिन देखता हूँ टाइम मिल गया तो इसका रिपोर्टिंग करूँगा। लेकिन देखिए कितना बिना खाद दिए हुए ये पौधा बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। अगर इसकी रिपोर्टिंग किए हुए रहता तो बहुत कहिए कि ये बड़ा भी प्लांट हो जाता, और दूसरा ये इतना हैवी फ्रूटिंग करता है कि आप अगर आपने इस घर में लगाया हुआ तो आप इसको जान सकते हैं कि कितना अच्छा फ्रूटिंग करता है और इजी टू केयर है। ये लेमन की ही एक वैरायटी है, देसी कहा जाए, ये देसी, यहाँ लोकल जब मैंने लिया था तो इसको हजारा नींबू कह रहा था। तो ये है प्लांट, इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें भी जूस रहता है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का इसका फ्लेवर होता है, लेकिन जूस काफ़ी होता है, जूस से भरा हुआ है। यही सिंपल मिट्टी में मैंने लगाया हुआ था, जो उस समय मेरी उपलब्ध मिट्टी थी इसमें लगाया हुआ था, और अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।